वडोदरा शहर में तेजी से बढ़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 125 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 11,000 को पार होने के साथ 11,192 पर पहुंच चुका है। तो वहीं आज भी 2 दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होने का दर्ज हुआ था। वडोदरा शहर में चरम सीमा से भी पार हो चुके और वडोदरा शहर के लिए चिंताजनक विषय बन चुके वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 125 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 11,192 पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 4,381 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 125 पॉजिटिव दर्ज हुए हैं। तो वही आज भी 2 दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होने का दर्ज हुआ है। अभी तक कुल मिलाकर 188 जितने लोगों की कोरोना संक्रमण में मौत होने का पता चला है। आज 109 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कुल मिलाकर अभी तक 9,449 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर लिया गया है। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से मांजलपुर, तांदलजा, छाने, वीआईपी रोड, सुभानपुरा, गोत्री, फतेहपुरा, नागरवाड़ा, वासना रोड, अकोटा, पानीगेट, गुरवा, अटलादरा, तरसाली, मकरपुरा, वड़सर, कारेलीबाग, वागोड़िया रोड, दंतेश्वर, समा, वारसिया रोड, नवापुरा आदि विस्तार से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जबकि वडोदरा के ग्रामीण रणोली, सेवा वासी, करोड़िया, कोयली रोड, वेमाली, डबुई, पौर, भाईली, सिनोर, पादरा, करजन, वागोड़िया, सावली, उंडेरा, बिल आदि गांवों से कोरोना पॉजिटिव केस वडोदरा शहर में दर्ज होने का पता चला है।